बद्रीनाथ 105 किलोमीटर। तो दोस्तों आप इनको देखें, भैया को, क्या नाम है भैया आपका? पिंटू परमार। पिंटू परमार, ये देखो बड़ौदा से हरिद्वार, हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ साइकिल यात्रा कर रहे हैं और इतना लंबा ट्रैक करके अब ये टुंगनाथ आ चुके हैं। तो भैया आप आज ही ट्रैक करेंगे ऊपर जाके या रात को रुकेंगे यहाँ पे? रात को रुकना है, वहाँ पर सुबह का जो वेव है वो कवर करना है मुझे। अच्छा, तो अभी चढ़ाई करूंगा और सुबह तक रात में वहीं रुकूंगा। चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। और मेरा YouTube चैनल है साइकिलिंग ब्लॉग। अच्छा, साइकिलिंग ब्लॉग के नाम से आपका YouTube चैनल है। तो भैया हमारे साइकिलिंग ब्लॉग वाले दोस्त आज हमें मिल गए हैं, जिसको हम हमेशा ब्लॉग में देखते थे। जैसे हमारा चैनल है, इनका भी चैनल है, हमारा रोड ट्रिप का है और भैया का साइकिल ट्रिप का है। तो चलो कोई बात नहीं, जो लोग भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से इन्हें देख रहे हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप दिखाएं जरा इनको। गुजरात से आए हैं और देखो कहां कहां हमारा ट्रैक होने वाला, और अब फाइनली ये टुंगनाथ में आ चुके हैं। चलो ऑल द बेस्ट। हो गया आपको 2300 किलोमीटर चला गया। अरे साइकिल का भी जवाब है। भाग 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 जोर से ले लिया और जोर से भाग। टाटा, अरे भाग रहा है, भाग, आजा आजा आजा, और जोर से ब्लैक शेर, उई थोड़ा और जोर से, यानी जरा देख के उई चली हो ब्लैक शेर है। तो दोस्तों आज डिनर में आया है आमलेट, और कैसा रहा? मस्त रहा है। अच्छा, आखिर का कस्टमाइज आमलेट है। प्याज डालिया और सॉस और चाट मसाला। अच्छा, तो आज डिनर में सब लोगों ने आमलेट खाए हैं। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मैंने बोला दोस्तों डिनर हो गया, अब तो बहुत तेज नींद आ रही है, अब जाके सीधा सो जाता हूँ मैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारे को फिर निकलना है नई जर्नी पर, ताकि फिर हम आगे जाएं और बद्रीनाथ के दर्शन भी करें। अभी हमारे को यहाँ से थोड़ा रेस्ट करते हैं, सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे निकल पाते हैं। चलो दोस्तों गुड नाइट। अगर 15 किलोमीटर ही रहेगा मंडल का, कुछ किलोमीटर घटेंगे या नहीं घटेंगे? मंडल के बाद रोक लो ना। अच्छा 18 से, मुझे ऐसा लग रहा है अभी 15 दिख रहे थे। अरे मंडल तो आ जाने दे लालू। कितना सुंदर लग रहा है ये, वाओ। पत्थर है एकदम, एक के सारे एक के हुए। जब यार दोस्तों का मन हो जाता है। ओली 16 किलोमीटर। ओहो, झरना पहली बार दिखाई दिया है। ये देखो बच्चा, ये तो झरने का, ये देखो कितना है, झरना नहीं गिर रहा, यही बरसातों में तेज हो जाता है। ये पतला सा आ रहा बेचारा। हाँ दोस्तों, जगह जगह ऐसे ही जाम मिलता है जब आप इधर आते हैं। ये देखो भारत दर्शन की बसेस भी आ रही है। हाँ ये देखो, ये वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसकी वजह से देखो सारा रुका पड़ा है। अब वो बस कैसे निकले, पहाड़ में टकरा जाए। भारत दर्शन निकलेगा, उसके बाद उधर दो बसें भारत दर्शन की हैं जो साथ साथ चल रही हैं। भारत दर्शन से मतलब हमारा खाली उत्तराखंड दर्शन से है यहाँ पे। ये कैसे लैंडस्लाइडिंग से हो रहा? ओहो, ये हुआ है लैंडस्लाइड, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी जाम है। वेलकम टू देवभूमि। जो पहाड़ों के बीच में अलग नंदा है, और अब हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, इतने प्रो ड्राइवर क्या करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है बिल्कुल भी। पहाड़ों के बीच पे अलग नंदा बह रही है, अलग नंदा के ऊपर ये ट्रैक बनाया हुआ है, यहाँ भी ये सारे पहाड़। कल वाले जो बस चलती है ना, ये थोड़ी दुखदाई है यहाँ पे। अब ये सब निकलेंगी तब हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों टाइम मार्जिन लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ों पे आम बात है ऐसा होना कि आपको वेट करना पड़ सकता है जब तक सामने वाली गाड़ियां ना निकले। फाइनली 20 गाड़ियां निकलने के बाद अब हमारी गाड़ी को जगह मिली है निकलने की, फिर आ गई ऐसा, मतलब यही है वो पहाड़ ऐसे ऊपर से टूटते हैं निकलते हैं। ओह माय गॉड, कितना खतरनाक है वो पहाड़, देखो ऐसा लटक रहा है जैसे। हाँ ये खोखला, अरे इनको काट काट के ही ना ये बनाए गए हैं रोड, इसलिए ऐसा हो गया ही है। यहाँ पार्किंग भी कर रखी है उसने, यहाँ में खड़े होने में डर लग रहा है। क्या ऐसे गाड़ियाँ निकल रही हैं और रोड देख लो, अरे भाई रोड कैसा है, ये पहाड़, आगे वाला पहाड़ देखो कैसा लटक रहा है।
और ये ऐसा लग रहा है दो जॉइंट होंगे पहाड़। ये पहाड़ को तो बड़े मुश्किल से बनाया होगा दोस्तों, ये देखना कैसे विदाउट पिलर, ये तो विदाउट पिलर टंगा हुआ है। एक लाइन यहाँ पे रुकी हुई है ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाएं, तब इनकी लाइन चालू होगी। इस पुल पे भी एक ही गाड़ी जा सकती है। डैम पता नहीं कुछ जेपी वालों ने ठप्पा लगा रखा है अपना, उन्होंने कुछ बनाया हुआ ही है। डैम है, एक नंबर दो नंबर गेट है, दोनों गेट खोले हुए हैं। हम हनुमान चट्टी पे जो बद्रीनाथ से अभी 11 किलोमीटर पहले है। जय हो बजरंगबली की जय। यही मंदिर हमारा।